हेलो हाय एवरीवन, मैं आपका इंटरनेशनल कोच कैप्टन अमरीश कुमार आधाना। 18 एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट इन 800 मीटर, क्वालिफाई फॉर ओलंपिक टोक्यो 2021 3000 मीटर स्टीपल चेज। तो चलो दोस्तों, आपकी भर्ती आ चुकी है और आपके काफ़ी कमेंट्स भी हैं। ओलंपिक टोक्यो में हम काफ़ी बिजी थे, फिर भी हमने आपको नई नई इन्फॉर्मेशन जो देनी चाहते थे हम मोटिवेशन के लिए आपको दी हैं। चलो फिर भी चलते हैं कि आपकी भर्ती आ रही है, उसके लिए स्पीड वर्क आपको चाहिए। तो जिस तरह से आपने मांगा है स्पीड वर्क 1600 मीटर का, वो हम अभी थोड़ी देर में आगे चल के देंगे। लेकिन बताना मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि जब भी आप वर्कआउट करते हैं, उस वर्कआउट में आप अपना 100% दो। 100% का मतलब ये नहीं है कि आप ऑल आउट जोर लगाओ। आपका जो फोकस है, आपका अपने इवेंट की तरफ होना चाहिए, आपकी उस भर्ती की तरफ होना चाहिए जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं एक दूसरे को देख करके हम वो वर्कआउट क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है, मैं भी वही कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप दूसरे के वर्कआउट को देख करके आप इंजरी होते हैं। तो ऐसा आप ना करें। जो आपकी बॉडी को सुटेबल होता है, आप उसी वर्कआउट की तरफ जाएं। ठीक है, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम आपके उस ट्रेनिंग प्रोग्राम पर जो आपने मांगा है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 1600 मीटर का बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम आपको बताने जा रहे हैं, ये दिन में केवल एक ही बार करना है, दो बार नहीं करना है। एक ही टाइम का प्रोग्राम है पूरे दिन में, क्योंकि गर्मी है और आपकी रिकवरी नहीं होती। जब रिकवरी नहीं होती, इंजरी के चांसेस होते हैं। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे। दूसरा क्या है कि गर्मी में अगर हम दो दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं एक दिन में दो बार, तो कई बंदों के कमेंट्स हैं कि इंजरी के चांसेस हो रहे हैं। एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम को सब आप बनाइए। तो हमने आपके लिए बनाया है एक दिन का बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जब आप करेंगे 4:26 से 4:28 में आपका टाइम आएगा। लेकिन याद रखें, जब आप लगातार कंटिन्यू पहले से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तभी आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को करेंगे। जो बिगनर हैं उनके लिए प्रोग्राम पहले से है, बिगनर इसको नहीं करेंगे, आप इंजरी हो जा सकते हैं। लेकिन आपके जो कंटिन्यू ट्रेनिंग में है वो उसको करेंगे तो आपको लाभ होगा। दूसरा साथी मैं कहना चाहूँगा कि आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंटिन्यू करें, बीच में ना छोड़ें, वीडियो को लगातार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, जो सभी नौजवानों को फ़ायदा हो सके। तो ठीक है, चलते हैं हम अभी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम पर, वन डे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आप चाहते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। जिनका अभी सितंबर में भर्ती आने वाली है उनके लिए बहुत ही कारगर है यह ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपका 6 वीक का है, 6 वीक के बाद आपका चेंज होगा। तो पहले दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है 1 किलोमीटर है, 2000 मीटर है, जैसे मैंने कहा एक लगाएंगे 2000 मीटर, जिसका पेस 6:15 होगा। इसके बाद रिकवरी आपकी 4 से 5 मिनट होगी। रिकवरी जब आपकी 4 से 5 हो जाती है, तब आप 1 किलोमीटर लगाएंगे, जिसका पेस होगा 2:55 से 2:52। ये आपका फ्रेश होगा पहले दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब हम चलते हैं दूसरे पर। दूसरे दिन 6 किलोमीटर होगा, जिसका पेस 4:03:40 पर किलोमीटर होगा। अब आपका आता है तीसरा दिन। थर्ड डे में 6×300 मीटर लगाएंगे, इसका पेस होगा 50 सेकंड से 52 सेकंड। बीच में रिकवरी होगी 3 से 4 मिनट। फोर्थ डे में आप कोर एक्सरसाइज करेंगे, 30 मिनट कोर एक्सरसाइज होंगी। ईच एक्सरसाइज 30 सेकंड की होगी, या आप कोर नहीं कर सकते हैं तो आप जिम एक्सरसाइज करेंगे 30 मिनट, और ऑल बॉडी एक्सरसाइज करेंगे। एक एक्सरसाइज 15 से 12 सेकंड के बीच करेंगे। चलते हैं अब फिफ्थ डे में ABC एक्सरसाइज करेंगे 30 मिनट। ईच एक्सरसाइज 30 मीटर करना है और 40 मीटर स्ट्राइड लगाना है। अब चलते हैं हम सिक्स डे में 8×200 मीटर लगाएंगे, इसका पेस होगा 31 से 32 सेकंड। रिकवरी होगी 60 से 80 सेकंड। अब आपका पूरे वीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम फिनिश हो चुका है 6 दिन का। जैसे मैंने पहले कहा है, ये दिन में एक ही बार करना है, डबल नहीं है। डबल अगर आपकी बॉडी इजाज़त देती है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरी तरफ से एक ही दिन में एक बार करेंगे, सुबह या शाम कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
टाइम आपका है, सुबह करो या शाम करो, तो आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है बेस्ट होगा। जो मैंने समय बताया उसी के हिसाब से आपका टाइमिंग आएगा। दोस्तों आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है ये आपके लिए बेनिफिट होगा और आपके फायदेमंद होगा, आपका परफॉर्मेंस बेस्ट ही आएगा। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी भी इवेंट की तो भी बेस्ट आएगा, और आप 1600 मीटर चाहे वो टीए की भर्ती हो चाहे आर्मर्ड फोर्सेस की, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, सबका परफॉर्मेंस बेस्ट आएगा, ऐसा मैं भगवान से आपके लिए दुआ करता हूँ। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं आपका ओलंपियन कोच कैप्टन अमरीश कुमार अधाना, जय हिंद जय भारत।